बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें आज पूरे बिहार में आज ऑक्सीजन प्लांट से जो आईसीयू हैं जो बेड तक ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है नहीं और क्या वस्तु स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से आज मॉक ड्रिल सभी जिलों में किया जिसमें दरभंगा DMCH भी है। दरभंगा DMCH में ये देखिए आइसोलेशन है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीजन प्लांट से किस तरह यहाँ पहुँचता है बेड पर, क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि मॉक ड्रिल के बाद वास्तव में ये काम कर रहा है कि नहीं। ये आइसोलेशन है जहाँ पर हम जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। तो हम बता दें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो आईसीयू, तो हम माइक्रो ये जो कोरोना को लेकर के यहाँ पर आइसोलेशन में 120 बेड लगाए गए थे उस समय ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन को लेकर के। इससे निपटने के लिए आज राज्य सरकार ने खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मॉक ड्रिल के तरफ। देखिए यहाँ दरभंगा DMCH में इस पाइपलाइन के थ्रू सीधा जो आईसीयू है आईसीयू तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है और किस तरह पहुँचाया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस पाइप के थ्रू आता है और ये यहाँ से है इसका जो चैम्बर, देखिए इसमें ये आईसीयू है। इस आईसीयू तक ऑक्सीजन को पहुँचाने की जिम्मेवारी थी जिनको, उन्होंने इसको पूरा किया है और आज इसका मॉक ड्रिल है। ये देखिए आईसीयू के कितने बेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आईसीयू के बेड हैं और सभी बेड पर आप देखिए पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन को पहुँचाया गया है। इसी बात को लेकर के आज खुद अधीक्षक भी थे और मॉक ड्रिल जो हुई थी, इस मॉक ड्रिल में ये दिखाया गया कि अचानक अगर ओमिक्रॉन से कोई अगर मरीज आ जाते हैं यहाँ पर तो उन्हें आईसीयू में किस तरह रखा जाए। जरा एक एक बेड का हम दिखाई, देखिए यहाँ पर ये बेड है और इस बेड पर अगर हम देखें कोई आईसीयू में अचानक मरीज आ जाए ओमिक्रॉन से या किसी भी कोरोना से अगर गंभीर मरीज आते हैं आईसीयू में, तो उसके लिए देखिए यहाँ से पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन के जरिए सीधा बेड पर आता है और इससे मरीजों को होता है। यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है मेरे यहाँ जिसका आज मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रहा है। तीन चीज़ हम लोगों को मेनली देखना था, एक तो भाई प्लांट चल रहा है कि नहीं, दूसरा उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है और तीसरा पीवीटी क्या है। सभी मापदंडों पर सभी प्लांट जो है खड़ा उतरा है। सिर्फ जो है सो हम लोगों को एक अल्टरनेट पावर का व्यवस्था करना है डीजी सेट का, जिसके लिए हम लोग सरकार को लिखेंगे वो लग जाएगा तो और अच्छा। तो अपने इंजेक्शन क्या होगा बेड तक आने में, अभी तक क्या आईसीयू तक बेड तक जा रहा है। कहीं कहीं जो है ना मेनी फोल्ड जो है BMICL जो है अभी पूरा जोड़ नहीं पाई है, वो भी एक आध जगह, नहीं तो बाकी जगह बेड तक ऑक्सीजन। अभी आपने सुना दरभंगा DMCH अधीक्षक ने क्या कहा, जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के तीन प्लांट है और तीन प्लांट से आज जो सप्लाई की है आज उसकी जांच की, हालांकि एक दो जगह कुछ प्रॉब्लम भी आई तकनीकी खामी जिसे 2-3 दिन में दूर कर दिया जाएगा। ये हम बता दें आइसोलेशन में जो ये आईसीयू है तो आईसीयू में क्या क्या चीज़ व्यवस्था है। 8 बेड हैं, हर बेड पर जो है सो वेंटिलेटर लगा हुआ है और पेशेंट अगर कोई आता है तो उसके लिए जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। आज क्या बोला गया, आज जो आए थे अधीक्षक भी आएंगे प्रचार के, तो क्या बोला गया? तो अधीक्षक साहब वहाँ जो गैस प्लांट है वहाँ तक आए थे, वहाँ हम तो नहीं गए थे। लेकिन यहाँ क्या पाइपलाइन डॉक्टर साहब करेंगे। यहाँ अभी डॉक्टर है कि नहीं कोई? हाँ डॉक्टर हैं। हाँ तो हम बता दें 8 यहाँ पर आईसीयू हैं। इस 8 आईसीयू को पूरी तरह तैयार रखा गया ताकि कोई भी अगर मरीज ओमिक्रॉन से या किसी कोरोना या कहीं से भी कोई अगर गंभीर अवस्था में आते हैं तो उनको यहाँ पर ही रखा जाएगा, उनका इलाज होगा। अब जब तक बता दें यहाँ पर चैम्बर इसमें डॉक्टर और नर्सेज की बैठने की भी व्यवस्था है। ये पूरा हम बता दें कि दरभंगा DMCH की व्यवस्था को बदलते हुए का स्वरूप आप देखेंगे, जो पिछले बार ऑक्सीजन से कितनी की मौत हो गई थी इस बात की चर्चा थी, तो आज यही बात हुआ है कि प्लांट से सीधा बेड तक किस तरह ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो हम बता दें 8 यहाँ पर आईसीयू हैं। इस 8 आईसीयू को पूरी तरह तैयार रखा गया ताकि कोई भी अगर मरीज ओमिक्रॉन से या किसी कोरोना या कहीं से भी कोई अगर गंभीर अवस्था में आते हैं तो उनको यहाँ पर ही रखा जाएगा, उनका इलाज होगा। अब जब तक बता दें यहाँ पर चैम्बर इसमें डॉक्टर और नर्सेज की बैठने की भी व्यवस्था है। ये पूरा हम बता दें कि दरभंगा DMCH की व्यवस्था को बदलते हुए का स्वरूप आप देखेंगे, जो पिछले बार ऑक्सीजन से कितनी की मौत हो गई थी इस बात की चर्चा थी, तो आज यही बात हुआ है
कि प्लांट से सीधा बेड तक किस तरह ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा ताकि मरीजों को कोई परेशानी न उठाना पड़े। आपको दिखाया कि डीएमसीएच अधीक्षक ने क्या कहा। इसके अलावा आइसोलेशन में जो आईसीयू के 8 बेड लगे हैं वहाँ तक सप्लाई जो ऑक्सीजन की जा रही है वो इसी के थ्रू की जा रही है। ये देखिए, ये जो है आपको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, ये बता दें कि 20,000 लीटर्स की कैपेसिटी का है और इसका जो पावर सप्लाई है वो उसको लेकर के आज पूरा मॉक ड्रिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पटना से की है तो दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और प्रचार भी थे। 3 जगह यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है और हम बता दें यहाँ पर आज क्या क्या हुआ, क्या क्या आज हुआ यहाँ पर। सबसे पहले तो 3 जगह नहीं, 4 जगह प्लांट लगा है। अच्छा, 4 जगह लगा जी। अच्छा, और हमारा जो दैनिक काम है वो तो हम करते हैं, साथ ही यहाँ से जो है सारा लाइन पाइपलाइन बिछा दिया गया है सारे में, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है। हमारा जो ये है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, इसका सप्लाई हम जो है कोरोना के आईसीयू, कोरोना वार्ड, आइसोलेशन वार्ड में और इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसका जो है सो सारा फिटनेस कर लिया गया है मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी। अच्छा, ये जो इमरजेंसी वार्ड है इधर, इसके लिए अलग है, बच्चा वार्ड के लिए अलग है, गैनिक वार्ड के लिए अलग है, इसका ये 3 जगह जो है। ये यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, गैनिक और यहाँ से जो है सो गैनिक और आइसोलेशन, और सारा जो ये सर्कुलेशन है हर जगह अटैच है, जहाँ से जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ दिया जाएगा। अच्छा, अब पावर सप्लाई को देखा गया, क्या लगा, क्या हुआ? पूरा फंक्शन ओके है, ऑक्सीजन तैयार है और हम लोगों को जब भी आदेश होगा कि चालू कीजिए, हम लोगों ने सारा ट्रायल करके बैठे हुए हैं यहाँ, और यहाँ पे एक प्लांट पे 3 आदमी का ड्यूटी है 8-8 घंटे का, जिसके ड्यूटी आवर में जब फोन आ जाएगा कि भाई यहाँ से आप जो है ऑक्सीजन छोड़िए, हम छोड़ने के लिए तैयार। तो आप किसके स्टाफ है, बीएमएसएल के किसके स्टाफ में? हमारी जो संस्था है, हम लोगों का बहाली सुपरिंटेंडेंट महोदय ने किया, अलग से किया है। 12 आदमी का बहाली 4 पॉइंट पे, 3-3 आदमी करके हुआ। आप लोग टेक्निकल हैं? हम लोगों को टेक्निकल इसका जो है ट्रेनिंग दिया गया। अच्छा, तो आप लोग डीएमसीएच के ही स्टाफ हैं या फिर आप लोगों को अलग से लगे? हम लोग डीएमसीएच से ही हैं अभी फिलहाल, और हम लोगों के जो सुपरवाइजर हैं वो सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुपरवाइजर कौन है? मिश्रा जी का क्या नाम है? बीएमआईसीएल से न हो रहा है। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये कितना ऑक्सीजन कितना ये बन पाता है इसका, और कितना यहाँ पर स्टोरेज रहता है आपको? स्टोरेज हमारे पास अभी 1500 लीटर है, 15,000 लीटर है। 15,000 जी। अगर मान लीजिए कम होगा तो फिर इसको कैसे, फिर इस ये लिक्विड, इसमें जो पाइपलाइन देख रहे हैं ना आप, इस पे जो है टैंकर आता है, इसमें लिक्विड जो है बाई प्रेशर। अच्छा, वो टैंकर का सिस्टम ऐसा होता है, इसमें दिया जाता है, माने टैंकर से आप इसको इसमें भर देते हैं, और लिक्विड इतना ठंडा होता है कि उसको गर्म करने के लिए हीटर दिया गया है बगल में जो आप देख रहे हैं। अच्छा, जैसे इसका फंक्शन जो है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जब हम इसका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है तो इसका प्रेशर बढ़ता है, जब हम प्रेशर को डाउन करते हैं तो ये लिक्विड इतना ठंडा होता है कि सारे पाइपलाइन पे आइस जम जाता है, फिर हम यहाँ पे टूटी लगा हुआ है मोटर सिस्टम है, पाइपलाइन है, पाइप दिया हुआ है, हम इसको जो है वाश करते हैं, वाश पे सारा आइस उसको गिराते हैं, क्योंकि आइस अगर इस पर रुका रहेगा तो बहुत देर तक रुकने के वजह से इसमें जंग लग सकता है, इसीलिए हम उसको वाश करते हैं। सप्लाई में यहाँ से कितना समय लग पाता है अगर यहाँ से खोलिए? यहाँ से हम सप्लाई करेंगे तो जैसे कि हमारा आइसोलेशन है, तो आइसोलेशन में जाने में इसको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा। 3 मिनट लगेगा जी। अब रेगुलर जाता रहेगा? हाँ, रेगुलर जाता रहेगा। तो अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ भी तो एक पॉइंट बना होगा जिससे हर जी डायरेक्ट नहीं, हाँ के लिए अलग अलग पॉइंट है। हाँ, वहाँ पॉइंट है, वहाँ पॉइंट से जो है सो सप्लाई होता है। क्या नाम आपका? इंद्रमोहन झा। तो हम बता दें, ये देखिए, अगर इसमें 20,000 कैपेसिटी का ये है, लेकिन अगर इसमें से कम होता है तो एक टैंकर के जरिए, देखिए इधर, ये टैंकर के जरिए यहाँ से सीधा अंदर सप्लाई होगा, और इसके बाद बगल में एक हीटर है, बगल का दिखाइए, जो बगल में है वो एक हीटर है, और इस हीटर के जरिए जो लिक्विड होता है वो ऑक्सीजन में परिणित हो जाता है। तो हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही जानना चाह रहे थे कि ओमिक्रॉन से अगर बिहार में कोई कोरोना के संकट आते हैं तो हमारा जो हॉस्पिटल है डीएमसीएचओ, पीएमसीएचओ, अन्य हॉस्पिटल, उसकी क्या स्थिति है। बीएमआईसीएल के द्वारा दरभंगा डीएमसीएच में जो बनाए गए हैं
ऑक्सीजन पावर प्लांट, इसे किस तरह डीएमसीएच एवं अन्य विभागों में आइसोलेशन में आईसीयू में कैसे पहुंचता है उसका हमने आपको विस्तृत दिखाया। तो देखिए आपके दरभंगा डीएमसीएच में किस तरह बदल रही है स्थिति, और इस स्थिति को बदलने के लिए अधीक्षक ने भी आज काफ़ी प्रयास किया है। हालांकि अधीक्षक ने कहा कि एक दो पॉइंट पर कुछ गड़बड़ी है, तकनीकी समस्या है, जिसको दो तीन दिन में बीएमआईसीएल को कहा गया कि वो तुरंत इसको ठीक करे। लेकिन अब अगर दरभंगा में इस तरह के मरीज आते हैं तो पिछले साल की तरह कोरोना से उनको मरने नहीं दिया जाएगा, ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया जाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था डीएमसीएच ने कर ली है। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें।